अस्सलाम वालेकुम, मैं शुगर एंड स्पाइस बाय फाइजा। हम अपने टी टाइम को चटपटा बनाने के लिए सिंपल, क्विक और ऑसम टेस्ट वाली चिली बाइट्स बनाने जा रहे हैं। तो चलते हैं किचन में। 1 चिकन फिले बॉइल्ड, 14 टू 16 लार्ज चिलीज, 1/4 कप मायोनीज, श्रेडेड मोजरेला चीज 1 कप, वाइट फ्लावर 1 कप, ब्रेड क्रम्स 1 कप, 2 eggs, 1 tablespoon vinegar, honey mustard sauce बनाने के लिए हम लेंगे mayonnaise 1/4 cup, ketchup 1 tablespoon, mustard paste 1 teaspoon, 1 tablespoon honey, cooking oil fry के लिए। सबसे पहले हम हरी मिर्चों को सेंटर से कट लगा के इसके बीज रिमूव कर देंगे। बिल्कुल इस तरह से। अब एक बाउल में पानी लें और उसमें 1 टेबलस्पून विनेगर का ऐड कर दें और तमाम हरी मिर्चों को इसमें सोक कर दें। ट्वेंटी मिनट के लिए इनको सोक होने के लिए रख दें। इस तरह से मिर्चों का तीखापन और इसकी हार्डनेस कम हो जाएगी। इस दौरान हम सॉस तैयार कर लेते हैं। मायनीज में केचप ऐड करें, फिर इसके साथ ही इसमें हनी और मस्टर्ड पेस्ट शामिल करके इन्हें अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे रख दें। मिर्चों को ड्रेन कर लें और इसको किचन टॉवल के साथ अच्छे से ड्राई कर लें। चिकन को हमने थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया था, अब हम इसको स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। एक बाउल लें और उसमें चीज़ शामिल कर दें, साथ ही इसमें मायनीज डालकर स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर लें अच्छे से। अब हम मिर्चों की फिलिंग करेंगे। मिर्च को चीज़ मिक्सचर से फिल करके एक एक चिकन स्ट्रिप इंसर्ट करते जाएंगे। मिर्चों की कोटिंग के लिए पहले हम मैदा लगाएंगे, फिर फेंटे हुए अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम की कोटिंग करेंगे। हर मिर्च को इस तरह 2 बार कोट करना है। इन्हें चिल होने के लिए आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें। इन्हें आप बगैर फ्राई किए लॉन्ग टाइम के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। अब चिली बाइट्स को फ्राई करने के लिए तेल को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लें। तेल गरम हो जाए तो इन्हें इसमें शामिल कर दें और फ्राई कर लें। जब गोल्डन हो जाए तो इन्हें डिश आउट कर लें। जी, तो हमारी इनक्रेडिबल टेस्ट वाली चिली बाइट्स रेडी हैं। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।